छुट्टियाँ अच्छी होती हैं, सारा दिन आराम करो, सुहाना मौसम, मुझे लगता है कुछ अच्छा होने वाला है। नहीं, आज यहाँ कुछ अच्छा नहीं होने वाला है। नोबिता नोबी की 30 मिनट में एक ट्रक से टक्कर होगी और 40 मिनटों में वो आग से जल जाएगा। तुम ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? ये ड्रॉर। माफ करना, क्या मैंने तुम्हें डरा दिया? ये बोलता है कौन हो तुम? तुम कोई बहरूपिये तो नहीं हो? यहाँ कैसे आए? और ये बताओ तुम मेरे कमरे तक कैसे पहुँचे? और तुम मेरे ड्रॉर से बाहर कैसे निकले? इतना कुछ तो मुझे नहीं पता, बस इतना बताना जरूरी है कि हम यहाँ तुम्हारी भलाई के लिए आए हैं। मेरी भलाई के लिए? मतलब 30 मिनटों में ट्रक से टकराने वाली बात और 40 मिनटों में आग से जलने की बात? अरे ये तो कुछ भी नहीं उसकी तुलना में जो तुम आगे भुगतने वाले हो। तुम्हारी पूरी जिंदगी में कुछ अच्छा नहीं होने वाला है। क्या कहा तुमने? ये सब झूठ है। तुम मेरा भविष्य कैसे जान सकते हो? हाँ, मुझे सब पता है। अगर तुम जानना चाहते हो कैसे, तुम ये क्या है? ये बीन जैम केक्स हैं। बीन जैम केक्स, यम्मी। स्वादिष्ट है, बहुत अच्छा है। वाव, थैंक यू वेरी मच। पर वहाँ वो, मैंने उसे वहाँ से अंदर जाते देखा। अरे यहाँ तो कुछ भी नहीं है। शायद एक सपना था। हे डोरेमोन। हाय। अच्छा तो तुम मेरे ग्रैंडपा हो? जहाँ तक मुझे पता है तुम ना पढ़ाई में और ना ही खेलकूद में आगे हो, और ना ही कभी तुम्हारी लॉटरी लगी है। शायद इसीलिए बड़े होने के बाद भी तुम्हारी किस्मत ने तुम्हारा कभी साथ नहीं दिया। पर जब तुम्हारे साथ डोरेमोन है, तुम्हें किसी बात की चिंता नहीं होगी ग्रैंडपा। क्या कहते हो ग्रैंडपा? जरा तुम एक मिनट रुको, तुम अचानक बाहर आके ये सब कैसे कह सकते हो? वैसे भी ये तुम ग्रैंडपा किसे बुला रहे हो? तुम है क्या? मुझे डोरेमोन ने तुम्हें कुछ नहीं बताया? अजीब बात है। डोरेमोन। डोरेमोन, क्या तुम्हें पता है हम लोग यहाँ पर तुमसे मिलने 22nd सेंचुरी से आए हैं, टाइम मशीन से होकर। पता नहीं किस कारण से दरवाजा तुम्हारे ड्रोन में खुला। मेरा नाम शिवाशी है और मैं आपके ग्रैंडसन का ग्रैंडसन हूँ, और ये है मेरा दोस्त, सबका प्यारा एक कैट रोबोट। हेलो, मेरा नाम है डोरेमोन। तो दूसरे शब्दों में आप मेरे ग्रैंडपा के ग्रैंडपा हो। पर मैं तो अभी स्कूल में हूँ, एक बच्चा हूँ, और मुझ जैसे बच्चे को तुम ग्रैंडपा कैसे बुला सकते हो? ये सच में थोड़ा भोला है। हाँ सुनो, एक दिन तुम भी बड़े हो जाओगे, ठीक? और फिर तुम्हारी शादी हो जाएगी। ये रहा एल्बम, और ये हो रही है तुम्हारी शादी, और ये तुम्हारी शादी के बाद की जिंदगी। मुझे यकीन नहीं हो रहा, ये सच नहीं है, ये नहीं हो सकता, मैं ये कभी नहीं मान सकता। चले जाओ, चले जाओ यहाँ से, तुम जहाँ से भी आए हो। ओ, स्टेशन के पास एक नई दुकान खुली है। क्यों? हाँ, और वहाँ बहुत अच्छा सामान भी मिलता है। मैं अगली बार वहाँ जरूर जाऊंगी। हाँ, ये तो शिजुका है। शिजुका! तुम ठीक तो हो? क्या मैं उस ट्रक से नहीं टकराया? उसका क्या हुआ, गलत हो गया? ओ ये भी तो एक ट्रक ही है। हाँ,
तुम क्या कर रहे हो नोबिता? बहुत हुआ, हंसना बंद करो। ऐसा तुम मुझे कैसे कह सकते हो? अगर उसकी कही बात सच होनी है तो मुझे अब आग से बच कर रहना होगा। ओ डियर, आई एम सॉरी। माफ करना, मैं सड़क पर पानी डालना चाहता था। कोई बात नहीं, शायद इसे आग में जलना कह सकते हैं। वो एल्बम। मेरा एल्बम, इसमें मेरा पूरा भविष्य है। नोबिता नोबी 20 वर्ष का, कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम में फेल, और उसकी पार्टी 28 का, नौकरी नहीं मिल पाई और खुद की कंपनी शुरू की, 33 का, मेरी कंपनी जलकर राख हो गई और आग लगने का कारण मेरे पटाखे, 35 का, मेरी कंपनी डूब गई और मैं और कर्जे में डूब गया। बस बहुत हो गया। तुम्हारे भारी कर्जे के कारण आगे तुम्हारी पीढ़ियों को बहुत गरीबी में जीवन गुजारना पड़ा, और यही कारण है कि मुझे अपने जेब खर्च के लिए सिर्फ 5 येन मिलते थे। मेरी वजह से मेरे परिवार को कितना भुगतना पड़ा, मुझे ऐसी जिंदगी नहीं चाहिए। चुप हो जाओ नोबिता। हाँ, तुम अपनी किस्मत बदल सकते हो। सच में? बिल्कुल सच, तभी तो हम यहाँ इतनी दूर से आए हैं। आज से तुम पर चाहे जो भी मुसीबत आए, डोरेमोन तुम्हारी मदद के लिए हमेशा तैयार रहेगा, ये मेरा तुमसे वादा है। थैंक यू सेवाशी, मुझे तुम पर भरोसा है डोरेमोन। मुझे भी खुशी होगी नोबिता। अच्छा तो गुड लक ग्रैंडपा। थैंक्स। गुड बाय। मैं इस सदी का शहर देखना चाहता हूँ नोबिता, क्या तुम मुझे अपना शहर नहीं दिखाओगे? जरूर जरूर, मेरे पास ढेर सारे फ्यूचरिस्टिक गैजेट्स हैं मेरे इस खास बने हुए पॉकेट में, और ये है बैम्बू कॉप्टर। रुको डोरेमोन, मुझे लगता है जरूर यहाँ पर कुछ गड़बड़ है। सब ठीक है, बस तुम उड़ रहे हो। मुझे मेरी कॉमिक बुक वापस दे दो प्लीज। अरे रुको, मुझे देखने तो दो। मैंने अभी तक पूरी नहीं पढ़ी, प्लीज प्लीज मुझे दे दो। ठीक है, तुम बाद में पढ़ लेना। नोबिता, तूने मेरी बहन को रुलाया था ना, अब देख मैं तुझे कैसे मजा चकाता हूँ। मुझे बचाओ डोरेमोन। नोबिता, ये कहाँ गया? नहीं। देखते हैं क्या है। रॉक हार्ड लाइट। जियान क्या हुआ? नोबिता इधर। वो नोबिता को अपने साथ उड़ा ले गया डोरेमोन, पर वहाँ पर आखिर हुआ क्या? मैंने रॉक हार्ड लाइट का इस्तेमाल करके तुम्हें पत्थर की तरह मजबूत कर दिया। अच्छा, तभी जियान को इतनी ज्यादा तकलीफ पहुँची। बिल्कुल। ओ नोबिता, तुम्हें कुछ चाहिए क्या? मॉम डैड, असल में मैं आपको किसी से मिलवाना चाहता हूँ। अच्छा, कौन? क्या अपने किसी दोस्त को साथ मिलवाने लाए हो? नहीं। हेलो, मैं हूँ आपका दोस्त डोरेमोन। कैसे हैं आप लोग? आप लोगों से मिलकर खुशी हुई। अरे ये खिलौना तो बोलने वाला है। ये क्या हो रहा है? नहीं, मैं कोई खिलौना नहीं हूँ, मेरा नाम डोरेमोन है और मैं एक कैट रोबोट हूँ 22nd century से। अरे वाह, ये होम रन है। वाह, क्यों मारा है? हो गया। Thank you.
बहुत अच्छे। हुर्रे 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 हुर्रे। नोबिता की वजह से हम जीत गए, वो भी इतनी आसानी से। हुर्रे हुर्रे बढ़िया, हुर्रे। वाह नोबिता, आज तो तुमने कमाल कर दिया, बहुत अच्छे। मैंने तुम्हें इस तरह पहले कभी नहीं देखा। कोई खास बात नहीं, कभी कभी मैं भी कुछ अच्छा कर दिखाता हूँ, जैसे आज। तुम क्या कहना चाहते हो? ज्यादा कुछ नहीं, इसके पीछे एक राज है, वो मैं नहीं बताऊंगा। क्या कहा तुमने, जरा इस बात को समझा कर बताओ तो। सुनियो ने हमारे टीम के सारे मेंबर्स का एवरेज कैलकुलेट किया है। और तुमने ये कैसे किया? मेरा एवरेज है 0.01। 0.01? चिल्ला क्यों रहे हो, इसमें चिल्लाने की कोई बात नहीं है। इसका मतलब 100 बार कोशिश करने पर तुम्हारा निशाना एक बार लगेगा। जियान मुझसे बड़ा नाराज था, मैं उसे दोष नहीं दूंगा। लेकिन अब मैं क्या करूं? वो कहते हैं कि अगर मैं कल स्कोर नहीं कर पाया तो मुझे अपनी टीम से बाहर कर देगा। तो तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारी कुछ मदद करूं? क्या तुम किसी तरीके से मेरी बैटिंग एवरेज बढ़ा सकते हो? कुछ कह नहीं सकता। कह नहीं सकता? स्पोर्ट्स में जीतने का एक ही फॉर्मूला है, प्रैक्टिस 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 और बहुत सारी प्रैक्टिस, तो ही तुम जीत सकते हो। मुझे पता है, लेकिन मैं तुम्हारी मदद इसलिए मांग रहा हूँ क्योंकि मेरे पास प्रैक्टिस करने का टाइम नहीं है। क्या तुम मेरे लिए कुछ कर सकते मैं हो? इस मामले में कुछ नहीं कर सकता। मतलब कोई फायदा नहीं हुआ? मुझे लगा था कि मैं तुम पर भरोसा कर सकता हूँ। नोबिता, हाँ? तुम्हारे लिए फोन है। सुनियो शायद खुद की बढ़ाई करना चाहता होगा, मुझे उसकी बातों में कोई दिलचस्पी नहीं है। आखिर तुम करना क्या चाहते हो? मैं देखता हूँ। मैं कोई पुराना वीडियो नहीं देखना चाहता। पता है ये मशहूर निंजा परमान मूवी का वीडियो है। वो एक सुपर निंजा होगा, पर मुझे क्या फर्क पड़ता है, मैं इस फिल्म को नहीं देखना चाहता। तुम खुद ही देख लो, मैं नहीं देखूंगा। मैं तो इसे देखूंगा। ये फिल्म अभी तक मार्केट में नहीं आई है, थिएटर में फिल्म रिलीज होने से पहले ही उसे देखने का मजा कुछ और ही है ना? तुम बड़े किस्मत वाले निकले परमान। मुझे खुशी है कि वो बच गई। लाजवाब, सचमुच कमाल है ना? चलो वो सीन फिर से देखते हैं। देखो ये रिवाइंड है। वीडियो में तो वही चीज बार बार देख सकते हैं। जो सीन में हीरो हीरोइन को बचाता है वो दिखाना। जरूर, इस बार मैं तुम्हारे लिए स्टॉप प्रेस करूंगा, पहले मैं रिवाइंड करूंगा। और फिर पॉज। वाओ ये तो बढ़िया है। और ये है द रियलिटी वीडियो प्लेयर। वो क्या होता है? इसकी मदद से तुम सच्चाई को किसी वीडियो टेप की तरह इस्तेमाल कर सकते हो। तुम जो चाहो उसे रिवाइंड, फास्ट फॉरवर्ड या पॉज कर सकते हो। जैसे कि हाँ? वो वहाँ क्या कर रहा है? हमारे पास एक बीन जैम केक है और अब हम इसे खाएंगे। हम खा चुके। हाँ बिल्कुल। अब जरा देखो, मैं रिवाइंड करूँगा। हाँ? कुछ भी नहीं बदला। ओह, हमारा बीन जैम केक बिल्कुल वैसा ही है। हाँ बिल्कुल जैसा खाने से पहले था। पर इसका मेरे बैटिंग एवरेज से क्या लेना देना है? अब जब भी तुम नहीं मार पाओगे तो दोबारा रिवाइंड करके कोशिश करोगे। फिर कोशिश करूं? तो 100 में से एक बार तो लगना ही है। हाँ बिल्कुल। लेकिन इसमें तुम 100 बार रिवाइंड करोगे तो थक ही जाओगे। कोई बात नहीं, अब तुम गौर से देखना जियान। नो बॉल और 2 स्ट्राइक्स। इसे तो मैं एक ही बॉल पे आउट कर दूंगा।
तुम आउट हो गए। ये क्या, ये क्या रिवाइंड? नो बॉल और दो स्ट्राइक्स। तो ये बात है, तीन स्ट्राइक्स इरेज हो गए। मैं तीन पिचेस में ही इसे आउट कर दूंगा। ये लो। मैंने स्ट्रोक लगा दिया। मैं बहुत थक गया हूँ। वो चार हिट्स लगाने के लिए मुझे अपना बैग सैकड़ों बार घुमाना पड़ा। तो नोबिता, हाँ? तुमने तो आज कमाल ही कर दिया। तुमने बहुत अच्छा खेला। सचमुच तुमसे शाबाशी पाकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। शिजुका, मेरी और तारीफ करो, मेरी सारी थकान दूर हो गई। फिर से करता हूँ। तुम लाजवाब हो, तुमने खुद को साबित कर दिखाया नोबिता। फिर से तारीफ करो। तुमने तो कमाल ही कर दिया नोबिता। मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है। फिर से करो। तुमने तो कमाल ही कर दिया नोबिता। अजीब बात है, पता नहीं क्यों मेरा गला सूख सा गया है। गला सूख गया है? बड़ा अजीब लग रहा है, मैं घर जाना चाहूंगी। बाय। ओ शिजुका, कोई बात नहीं, तुमने कई बार मेरी तारीफ कर ही ली है। मैं बड़ा तेज था, मैंने उन्हें चौंका दिया। और फिर मैं आज बहुत ही अच्छी तरह से खेला। जियान और सुनियो ने मुझसे कहा कि वो लोग मुझे टीम से कभी बाहर नहीं करेंगे। बहुत अच्छे, अब मुझे मेरा वीडियो प्लेयर वापस लौटा दो। मैं लौटाना तो चाहता हूँ, पर शायद मैं इसे अपने पास कुछ और दिन रखूंगा। मुझे इससे कुछ काम है। गुड नाइट। मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। तुम्हारी इन्हीं हरकतों से तुम हमेशा किसी न किसी मुश्किल में फंस जाते हो। अब ये झिक झिक बंद करो। फास्ट फॉरवर्ड। मैं तो थक गया। मुझे कुछ पता नहीं कि तुमने क्या कहा। वही बातें बार बार दोहरा कर मैं थक गया हूँ। अब मैं सोने जा रहा हूँ। नोबिता, मुझे मेरा वीडियो प्लेयर लौटा दो। अपने फायदे के लिए मेरे ये गैजेट्स इस्तेमाल करना तुम्हारे लिए गलत होगा। हुर्रे, हुर्रे, हुर्रे। नोबिता की वजह से हम जीते हैं। तुम तो लाजवाब हो नोबिता। आज तुमने फिर से कमाल कर दिया नोबिता। नोबिता, 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 नोबिता। मेरा काम हो गया। क्या तुम अभी तक गए नहीं? मैं गया नहीं। टाइम क्या हुआ है? क्या खाने का वक्त हो गया? जाग जाओ, समझे तुम? सोनियो ने वीडियो फिल्म देखने के लिए फोन किया था। मुझे लगा कि तुम डोरेमोन के साथ जा चुके हो। हाँ, पर आज तो फ्राइडे है ना? मैं तो बस गेम खेलकर अभी घर लौटा ही हूँ। ये क्या बकवास कर रहे हो? आज थर्सडे है, तुमने कहा था कि तुम्हारा गेम तो कल है। क्या? ओ, तो रियलिटी वीडियो प्लेयर डोरेमोन ले गया। कहाँ है वो? कहाँ है? मुझे मिल क्यों नहीं रहा? अब समझ गया। ओ, आप समझा? जब मैं सो रहा था उस वक्त डोरेमोन अपना प्लेयर वापस ले गया और उसने कल तक पीछे रिवाइंड कर लिया। सॉरी। डोरेमोन, बोलो, तुम रियलिटी वीडियो प्लेयर को रिवाइंड करके टाइम पीछे ले आए हो ना? ये तुम क्या कह रहे हो? मैं क्या कह रहा हूँ? तुमने मुझे अपना गैजेट दिया था जिससे जिंदगी और वक्त को टेप की तरह आगे पीछे किया जा सकता है। मेरे पास तो ऐसा कुछ भी नहीं है। तुम्हारा मतलब क्या है? मैंने उसे इस्तेमाल करके बेसबॉल गेम में बहुत अच्छा स्कोर किया। यहाँ तक कि शिजुका ने मेरी कितनी तारीफ की। बेटा, क्या तुम कोई सपना तो नहीं देख रहे थे? मैं तो घर पे ही था और मैंने तो कुछ भी नहीं देखा। क्या एक सपना? नहीं, बिल्कुल नहीं, ये हो ही नहीं सकता। डोरेमोन, क्या तुम मुझे अपना प्लेयर बस एक बार दोगे?
मैं वादा करता हूँ कि इस बार मैं तुम्हें जरूर लौटा दूंगा। मान भी।